नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि कांग्रेस का संकट कहां जाकर थमने वाला है, क्योंकि अब विरोध बाहर से नहीं बल्कि भीतर से ही तेज हो गया है। पंजाब में पैदा हुआ कांग्रेस का संकट खत्म होता नहीं दिख रहा है। इस मुद्दे पर गैर कांग्रेसी पार्टियां तो मजे ले ही रही हैं। खुद कांग्रेस के बड़े नेता अपने पार्टी और नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के सामने अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। राहुल गांधी को कुछ बोलते नहीं बन रहा है, प्रियंका गांधी की कोई खबर नहीं है, और सोनिया गांधी को शायद यकीन नहीं हो रहा कि वो आखिर भरोसा करें तो किस पर। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू पर भरोसा किया तो वो इस्तीफा देकर चल दिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के भरोसे पर सवाल उठाया तो कुर्सी तो छोड़ी ही, छूटते ही गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ दौड़ लगा दी। आज शाम ही अमित शाह और अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई है। उधर कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी की सुनिए। दोनों नेताओं ने अपनी पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि जिन्हें पंजाब की समझ नहीं वो मसले सुलझा रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सिद्धू को घेरा है। पंजाब की कांग्रेस सरकार में चल रहे संकट को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल खासे नाराज हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस का कोई इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, पर फैसला कोई ना कोई तो ले ही रहा है। कपिल सिब्बल इस विषय पर चर्चा वर्किंग कमेटी में करना चाहते हैं और कहते हैं कि लोग पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम G23 हैं, निश्चित तौर पर जी हजू 23 नहीं है, इसलिए हम मुद्दे उठाते रहेंगे। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो कांग्रेस के उन लोगों की तरफ से बात कर रहे हैं जिन्होंने पिछले साल अगस्त में CWC और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को चिट्ठी लिखकर पार्टी अध्यक्ष का चुनाव कराने की मांग की थी। हम पार्टी नेतृत्व की तरफ से अब भी उस पर एक्शन लिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। कपिल सिब्बल कहते हैं कि हमारी पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है, इसलिए हम नहीं जानते ये फैसले कौन ले रहा है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि हालांकि हमें मालूम है, लेकिन तब भी हम यह बात नहीं जानते। इसके तुरंत बाद गुलाम नबी आज़ाद ने भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाने की मांग कर डाली। दोनों नेताओं ने पार्टी के हालात पर बात करने की इच्छा जताई और कहा कि हम कहाँ खड़े हैं, इसका पता जरूर लगाया जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि इंतजार की भी हद होती है, हम उन लोगों में से हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े रहे, हमारी प्रतिबद्धता कांग्रेस के साथ बनी हुई है, हमने कभी कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिया। सिब्बल ने कहा G23 के नेता उन लोगों में से नहीं है जो पार्टी छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, लेकिन जो लोग पार्टी नेतृत्व के करीब थे वो पार्टी छोड़ चुके हैं, और जो उन्हें करीबी नहीं लगते वो लोग अभी भी नेतृत्व के साथ खड़े हैं। सीधा सीधा सवाल पार्टी हाईकमान पर है। कपिल सिब्बल ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी में जो हो रहा है वो पाकिस्तान और ISI को फायदा पहुंचाने जैसा है, क्योंकि वहां पर नेतृत्व का संकट है पंजाब में, और इससे फायदा किसको होगा, उन्होंने कहा। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो पंजाब का इतिहास और वहां पनपे उग्रवाद को भी जानते हैं, इसलिए कांग्रेस को बुनियादी तौर पर मजबूत करने की जरूरत है और लोगों की बातों को सुनने की जरूरत है। जाहिर है पंजाब बॉर्डर स्टेट है और वहां की रूलिंग पार्टी में जो हो रहा है उससे पंजाब की स्थितियां कमजोर पड़ सकती है। यही बात कमोबेश मनीष तिवारी ने भी कही है कि जिन्हें पंजाब का ज्ञान नहीं वो यहाँ मसले सुलझा रहे हैं, और अमरिंदर सिंह ने तो सीधे तौर पर कहा था कि सैकड़ों किलोमीटर पंजाब का पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बॉर्डर है, इसलिए यहाँ की लीडरशिप मजबूत हाथों में होना चाहिए, और इसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू को लीडरशिप देने के खिलाफ उन्होंने कुछ भी करने की बात कही थी। इससे पहले नवजोत सिद्धू के अचानक इस्तीफा देने से कांग्रेस हाईकमान खासे नाराज है। सिद्धू को मनाने के लिए किसी नेता को दिल्ली से नहीं भेजा गया, CM चरणजीत चन्नी को ही यह जिम्मेदारी सौंप दी गई। CM ने कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा वड़िक की कमेटी बना दी है। दोनों ही मंत्री सिद्धू के करीबी हैं। ये कमेटी सिद्धू से उनकी नाराजगी और उसे सुलझाने के बारे में बात कर रही है। इससे पहले भी यह दोनों नेता दो बार सिद्धू से मिल चुके हैं। अब अगर कांग्रेस के इंसाइडर्स की माने तो यह कह दिया गया है कि अगर सिद्धू नहीं माने
तो नया प्रधान चुन लिया जाएगा, मतलब जो कांग्रेस का हाईकमान है वो सिद्धू को ज़्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है, इसलिए उन्हें एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया गया है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस की स्थिति विकट है और कांग्रेस अब इससे कैसे बाहर निकलेगी, क्योंकि G23 के नेता भी बोलना शुरू कर दिए हैं। तो राजशास्त्र में आज इतना ही, आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।